दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज डिश वॉश जेल बनाना सीखेंगे। डिश वॉश जेल किस तरह बनाई जाती है दोस्तों, डिश वॉश का फार्मूला पढ़ते हैं। पानी है 70%, 1400 ग्राम। शैम्पू बेस है 8%, 160 ग्राम। EDT है 0.20%, 5 ग्राम। सल्फिनिक एसिड 200 ग्राम है 10%। कास्टिक लेई 2.5%, 50 ग्राम। दोस्तों यहाँ मेरे से गलती हुई है, जो मैं बना चुका हूँ दिखा भी रहा हूँ, 33% के बजाय 50% मैंने कास्टिक लेई मिक्स किया पानी में, तो जनाब ये मेरा pH ज़्यादा हो गया था, ठीक है 14 तक पहुँच गया था। फिर मैंने सिट्रिक एसिड डाली, ठीक है 1%, फिर जाके 7-8 पे पहुंचा है। अभी उसको फिर नीचे लेके आ रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ। और परफ्यूम है 0.20%, 5 ग्राम। फार्मोलिन या DMDM प्रिजर्व है, मेरे पास है DMDM है 5 ग्राम। और दोस्तों कैडी है, मैं 100 ग्राम के बजाय 50 ग्राम डाला है, 250 ग्राम। बेहतरीन डिश वॉश मैंने तैयार किया। किस तरह तैयार किया? पानी 1400 ग्राम, शैम्पू बेस जनाब 160 ग्राम, EDTA 5 ग्राम, इसको मिक्स किया 1 घंटे के लिए। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डाला 200 ग्राम। दोस्तों 12 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, इसको 12 घंटे मैंने रख दिया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा पतला था, फिर अभी आज अभी आके तो ये क्या हुआ, ये बन गया था मेरा एक्सिड का ग्रुप ना। पानी है, शैम्पू बेस है, EDTA है, सल्फिनिक एक्सिड, तो इसका pH था 3। अब pH इसको मैं 6.5 तक लेके आने के लिए कास्टिक लेई डाली 50 ग्राम और KD डाला 50 ग्राम। तो दोस्तों ये चीज़ बनी है, अब देख रहे बेहतरीन चीज़, बेहतरीन फार्मूला। जो दोस्त कहते हैं फार्मूला दो, फार्मूला यही है, बनाने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए। गलती से कास्टिक की पत्री जो कास्टिक लई बनाती है, फार्मूला 33% के बजाय मैंने उसको 50% वाला बनाया, तो जनाब साहब ये आउट हो गया। दोस्तों pH चेक करना बेइंतहा ज़रूरी है। फिर बता रहा हूँ, मैं बैठूँ बुढ़ा आदमी हूँ, ये मैंने तैयार किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने निकाला तो ये 3 आया था, जो कास्टिक लेई डालने से पहले pH। फिर जनाब आली फिर कोशिश की, फिर जैसे कास्टिक लेई 50% वाली जो फार्मूला वाला डाला था ज़्यादा चला गया, तो ये 14 तक चला गया। ये देख लो pH इसका 14 तक चला गया था, ठीक है। अब फिर देख लो, देख आराम से, आराम से हम डिश वॉश तैयार कर रहे हैं। डिश वॉश का फार्मूला आपके सामने है। कास्टिक लेई हम डालते आधा पानी आधा कास्टिक लेई, दूसरे में डालते 33% जनाब अली कास्टिक पत्री, और 67% डालते हैं पानी। यहाँ डालना था 33% वाला फार्मूला लेई बनानी थी, फिर उसमें से 50 ग्राम उठाना था, ठीक है। तो पता है मैंने गलती क्या की, मैंने इसमें 50% पानी 50% कास्टिक की पत्री डाल दी, तो जैसे ही 50 ग्राम डाला तो ये तो जरा 14 तक चला गया इसका pH। फिर परेशान, अब क्या करूं। फिर जनाब 1% मैंने इसमें डालिए सिट्रिक एसिड, अब 7% तक आके पहुंचा है। ये हमेशा जो काम करेगा, गलती दोस्तों उसी से होती है, ठीक है ना। जब मैंने इसमें सिट्रिक एसिड डाला तो फिर ये यहाँ तक पहुंचा, देख रहे अब ये 8 और 7 तक पहुंचा है। अब मुझे ये 6 तक लेके आनी है, ठीक है।
जो दोस्त कहते हैं कि सर मुझे हमें ये जेल बना के दो, ये है डिशवास। फिर फार्मूला देख लिया, समझ लिया, ठीक है, इस फार्मूला से ये बना, ये है डिशवास। कोई दोस्त फरमाइश होती है वो अपने इस तरह बोतल पे लिखवाते हैं, हमने लिखवाया है डिशवास, ठीक है, वो लिखवाते हैं डिशवास जेल। ये मेरी अपनी बोतल है, ठीक है, मेरा बेटा कराची में सेल करता था, तो ये है डिशवास, ये है डिशवास। फिर से बताता, ये है ट्रांसपेरेंट, ये है कलर वाला डिशवास, एक साल पहले बनाया था दोस्तों। इसको हम इसलिए चेक करते रहते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा, ये चेक करने के लिए रखते हैं। वो भी वही कलर है, ठीक है, ये है ट्रांसपेरेंट। कलर डालना चाहे हो तो 5 ग्राम, यानी 0.05%, ठीक है, मैंने कलर इसमें नहीं डाला, एक बात। दूसरी बात, गलती से कास्टिक लई 50% वाले डाल के 50 ग्राम से भी डाला तो पीएच ज़्यादा चला गया, पीएच ज़्यादा हो गया। फिर सिट्रिक एसिड डाला 1%, ठीक है, उसको डालने से क्या हुआ दोस्तों, 20 ग्राम डालने से अब ये हो गया 7 पे आया है। ये तो हुई अपनी टेक्निकल बातें, इसलिए ये सारी गलतियां करके बताता हूँ आपको ताकि आप ये परेशान ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो, ये बेहतरीन चीज़ बन गई। अब जो बगैर पीएच चेक किए, पीएच चेक करने के बाद ये चलाते हैं, सेल करते हैं, वो पिट जाता है, क्योंकि औरतों के हाथ जलाता है। ये पीएच 14 जो चला गया था, अभी बता दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ में कोई चीज़ छुपा नहीं रहा। पीएच ये 14 तक जो चला गया था, अगर मैं सिट्रिक एसिड नहीं डालता, ये हाथ जलाता है, ठीक ठाक हाथ जलाता है, यही फार्मूला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर सिट्रिक एसिड डाली। अब जैसे ही सिट्रिक एसिड डाली तब आया है यहाँ तक, ये तो बन गया डिशवास, ठीक है। अब आप कहते हो कि जनाब अली हमें तो ये जेल वाला चाहिए, तो एक सेकंड में यहाँ लिख लूँ ताकि जो दोस्त जेल वाला बनाना चाहे तो उनके भी हाथ में यही पेज आ जाए, ठीक है जी। दोस्तों ये देख लें, PQ7 1% डालेंगे 20 ग्राम। इसी फार्मूला को हो अगर हम डिशवाश जेल में बनाना चाहें, फार्मूला सेम है, ठीक है, सिर्फ PQ7 1% हम डालेंगे 20 ग्राम, तो ये डिशवाश जेल में तब्दील हो जाएगा। समझ में बात आई, ये है डिशवाश, इसमें PQ7 अगर हम डालेंगे 20 ग्राम तो ये डिशवाश जेल कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये है सल्फ्यूरिक एसिड, दोस्तों ये है शैम्पू बेस, ठीक है, ये है कास्टिक की पत्रियां, ये है जो है पीएच पेपर, ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें देखो, पीएच पेपर, ये सब चीज़ें आप दोस्तों के लिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। PQ7 डालने से डिशवाश ये हमारा जेल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या रहता है, अब रहता है ये केमिकल है, वो केमिकल के फंक्शन बताना। देखो दोस्तों, पानी है हम इसमें डालते हैं, पानी जो है H2O फार्मूला है, हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल से ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल से ऑक्सीजन के 6 मालिक्यूल से। पानी में अल्लाह मियां ने यह ताकत रखी है कि हर केमिकल के मालिक्यूल को तोड़ देगा, बाउंड्री को तोड़ देगा, ठीक है। तो जनाब अली शैम्पू बेस हम डालते हैं, ओ ये पड़ा है, ठीक है, ये
ये शैम्पू बेस है, ठीक है। इसको SLES भी कहते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट है, बेहतरीन फोमिंग एजेंट है, बेहतरीन फोमिंग एजेंट है, ठीक है दोस्तों। और कास्टिक सोडा, ये जो हमने कबाड़ खाना बनाया, कबाड़ पर खाना मैंने कैसे बनाया कि ये इसको 50% ये जो पत्री है वो डालनी से आधा आधा पानी मैंने वो डाल लिया जो वो था, मगर यहाँ 33% वाला डालना था, नहीं डाला तो pH ज़्यादा चला गया। कास्टिक सोडा का फार्मूला है NaOH, सोडियम एक मालिक्यूल, ऑक्सीजन का एक है, हाइड्रोजन का एक है, खतरनाक है दोस्तों, हाथ जलाता है, खतरनाक, इतनी हीट पैदा करता है, इतनी एनर्जी पैदा करता है, मैं क्या बताऊँ, ये बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है जनाब अली। सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी डिश वाश, हैंड वाश, वाशिंग पाउडर, ठीक है मैं फिर बता रहा, डिश वाश जो हमारा है, हैंड वाश है, ये हम जो वाशिंग पाउडर में यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बेहतरीन एक्टिव करता है, स्ट्रांग एसिड है, और ये क्रिएट करता है मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, सफाई के दाग धब्बे मिटाता है, ये क्रिएट करता है H+OH-, ये स्ट्रांग एसिड है, ये सरफेस में जो टेंशन होती है ग्रीस की और पानी की उसको खत्म करता है, झाग बनाता है, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल जो खास खास थे वो चीज़ें बता दी, सोडा डिश वाश को जेल में कैसे तब्दील करें, सिंपली PQ7 1% डालें 20 ग्राम, सिंपल, तो ये बेहतरीन जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका ये तैयार हो गया, तरीक़ेकार बता दिया, 12 घंटे में रखता हूँ पानी, शैम्पू बेस, EDTS, सल्फ्यूरिक एसिड को 12 घंटे के बाद इसको pH कंट्रोल करना होता है कास्टिक लेई से, अभी सिर्फ मैंने कास्टिक लेई डाली है, ठीक है दोस्तों, फार्मोलिन डाली है, ठीक है, फार्मोलिन है 5 ग्राम, यहाँ मेरे पास DM है, वो भी दिखाता हूँ क्या है, ये लुक एट है पानी नमा DM, फार्मोलिन भी इसी तरह है, ठीक है दोस्तों, वो डाल दिया। अब ये सुबह को साफ शिफाफ, ये थोड़ी झाग जो बनी है ना कास्टिक लेई की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट, बेहतरीन आपके लिए, आपके सामने मौजूद बेहतरीन काविश, बेहतरीन अखराजात, हर चीज़ आप दोस्तों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप दोस्त सीख लो, ये मेहनतों को देखकर इस इदारे को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई चीज़ नहीं छुपाते, गलतियाँ होती हैं गलतियाँ बताता हूँ, ताकि आप भी सीखें मैं भी सीखूँ, सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।